और सिर्फ इतना ही नहीं, गहलोत सरकार जल्द एमएसएमई पॉलिसी भी ला रही है और इस वजह से अब उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्योग लगाने वालों को लोन भी मिल सकेगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2019 के 10वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर कही। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज संपदा है, बस जरूरत दोहन करने की है, लेकिन खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो वही जिला उद्योग केंद्रों पर ठप पड़े गतिविधियों को भी रिवाइव करने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योगपतियों से भी आह्वान किया कि वे युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करें। हम जो पॉलिसी ला रहे हैं एमएसएमई के लिए, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है उसके लिए, उसमें जल्दी पॉलिसी आएगी। उसमें कोई व्यक्ति को सरकार से कोई तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जो है अपनी इकाई लगा सकता है। 2 साल से 3 साल से कोई पूछते नहीं जाएगा, जिसे वो पनप से आराम से लोन मिल सके, अपना काम खुद शुरू कर सके। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बड़ी पॉलिसी होगी एमएसएमई की, जिसमें स्मॉल और माइक्रो और मीडियम, उस पर सरकार का फोकस रहेगा, जिससे कि राजस्थान में रोजगार का आधार उपलब्ध हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी नई औद्योगिक नीति लाने का है। हम सरकार विचार कर रही है कि हमारे इंडस्ट्री 5 साल में क्यों नहीं लगी, कितना बड़ा विसर्जन राजस्थान हुआ, कितने सारे एमओयू हुए, यहाँ पर उसका नतीजा बहुत कम निकला। हम चाहते हैं ऐसी औद्योगिक नीति सरकार लेकर आएगी जिससे उद्योग यहाँ पर ज़्यादा से लगे, स्टॉल पे लगे, दूसरे लगे।